प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके बिजनेस लॉ का एक नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है स्वतंत्र सहमति। इससे संबंधित जो पूरा प्रश्न आता है वो इस तरह से आता है कि स्वतंत्र सहमति से क्या आशय है, सहमति कब स्वतंत्र नहीं कही जाती और इसके क्या परिणाम होते हैं अगर सहमति स्वतंत्र नहीं होती है तो। सेक्शन 14 जो है वो स्वतंत्र सहमति से डील करता है और स्वतंत्र सहमति जो हम बात करते हैं, देखिए एक तो सहमति होती है स्वेच्छा से व्यक्ति देता है और एक सहमति संभव है ज़बरदस्ती किसी से ले ली जाए, मार कर, धमका कर, डरा कर, अनुचित प्रभाव का प्रयोग कर कर, धोखे से, कपट से, अगले को भूल के लिए प्रेरित कर कर। तो अगर सहमति अगला पक्षकार स्वेच्छा से नहीं देता और ज़बरदस्ती उससे, मतलब येन केन प्रकारेण उससे ले ली जाती है तो यह स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती है। साधारण शब्दों में तो अपन इस तरह से समझते हैं। वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों की केवल सहमति होना आवश्यक नहीं है अपितु सहमति स्वतंत्र भी होनी चाहिए, अर्थात पक्षकारों ने बिना किसी डर या दबाव आदि के अपनी स्वेच्छा से सहमति दी हो। अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में स्पष्ट तौर से प्रावधान किया गया है कि वे सब करार अनुबंध होते हैं जो पक्षकारों के स्वतंत्र सहमति से किए गए हों। अनुबंध अधिनियम की धारा 14 के अनुसार सहमति तभी स्वतंत्र मानी जाती है जबकि वह बल प्रयोग अर्थात कोअर्शन, अनुचित प्रभाव अर्थात अनड्यू इन्फ्लुएंस, कपट अर्थात फ्रॉड, मिथ्या वर्णन अर्थात मिसप्रेजेंटेशन और पांचवा है गलती, कोमिशन और ओमिशन, मिस्टेक से प्रभावित नहीं हो। अतः अनुबंध के पक्षकारों की सहमति को तब स्वतंत्र माना जाता है जबकि धारा 14 में वर्णित उपर्युक्त किसी एक या अधिक कारणों से सहमति प्राप्त न की गई हो। जब एक पक्ष की सहमति स्वतंत्र नहीं है तब अनुबंध उस पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है जिस पक्षकार की सहमति स्वतंत्र नहीं थी। यदि ठहराव करने वाले दोनों पक्षकारों की गलती के कारण सहमति दी गई है तो ठहराव व्यर्थ ही होगा। स्वतंत्र सहमति को जो जो तत्व प्रभावित करते हैं या जिन जिन कारणों से सहमति अगर ली गई हो तो स्वतंत्र नहीं कहलाएगी, वे हैं 1, कोअर्शन, बल प्रयोग, अगर इससे सहमति प्राप्त की गई है तो अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। अनुचित प्रभाव का प्रयोग कर कर अगर सहमति प्राप्त की गई है तो भी अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। कपट से सहमति प्राप्त की गई है तो भी अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। मिथ्या वर्णन से सहमति प्राप्त की गई है तो भी अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। और गलती से सहमति प्राप्त की गई है, अगर दोनों पक्षकार गलती पर हैं तो अनुबंध व्यर्थ होगा और अगर एक पक्षकार गलती पर है तो अनुबंध वैध होगा, कुछ अपवादों को छोड़कर। अब हमको ये इस बात को गौर करना है कि दोनों परिस्थितियों में अंतर है। जब सहमति स्वतंत्र नहीं है, जब सहमति बिल्कुल है ही नहीं, सहमति न स्वतंत्र होने की स्थिति में अनुबंध उस पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होता है जिसकी सहमति स्वतंत्र नहीं है। परंतु जब सहमति का पूर्ण अभाव हो तो ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ माना जाता है, अर्थात उस ठहराव को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। अब हम ये जो 5 कारक हैं जिनसे कि अगर सहमति प्रभावित होती है तो सहमति स्वतंत्र नहीं कही जाती, उनको 1 by 1 लेते हैं। धारा 14 तो ये कहती है कि सहमति कब स्वतंत्र नहीं कही जाएगी। धारा 15 में दिया हुआ है और बाकी फिर वो कारण दिए गए हैं जब सहमति स्वतंत्र नहीं कहलाएगी, जैसे यदि उत्पीड़न से प्रभावित हो, इसको बल प्रयोग भी कहते हैं, प्रताड़ना भी कह सकते हो, ठीक है, बल प्रयोग, प्रताड़ना, उत्पीड़न, अगर इससे प्रभावित है तो, अनुचित प्रभाव से प्रभावित है तो धारा 16, कपट से प्रभावित है तो 17, मिथ्या वर्णन से प्रभावित है तो 18, और इन सब से प्रभावित है तो अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होगा, धारा 19, और 20 से 22 है कि अगर सहमति गलती से प्रभावित है तो। अब हम देखते हैं कि उत्पीड़न से क्या आशय है। उत्पीड़न से
आशय किसी व्यक्ति को अनुबंध करने के लिए जबरदस्ती बाध्य करना है, अर्थात जब किसी व्यक्ति की सहमति डर या दबाव या धमकी से प्राप्त की जाती है तो इसे उत्पीड़न कहते हैं। धारा 15 के अनुसार किसी पक्षकार को ठहराव करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किसी व्यक्ति के प्रति, चाहे वह कोई भी हो, स्वयं वचनग्रहिता हो अथवा उसका नियर और डियर, अगर भारतीय दंड संहिता द्वारा किसी प्रतिबंधित कार्य को करने अथवा करने की धमकी देने का कार्य किया जाता है सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से, या पीड़ित पक्षकार के हितों के प्रतिकूल दूसरे की किसी संपत्ति को रोकना या रोकने की धमकी देना बल प्रयोग कहलाता है। अर्थात बहुत सिंपल शब्दों में अपन यह कहें तो भारतीय दंड संहिता में वर्जित कोई भी कार्य करना या करने की धमकी इस उद्देश्य से देना कि अन्य व्यक्ति जबरदस्ती सहमति दे दे, यह उत्पीड़न कहलाता है। अगर हम कोई कार्य वास्तव में कर ही देते हैं तो उत्पीड़न भौतिक है, मेटीरियल है, और अगर हम इसकी धमकी देते हैं तो यह मानसिक उत्पीड़न कहलाएगा। अन्य शब्दों में भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध किसी कार्य को करने अथवा करने की धमकी देना, दूसरी की संपत्ति को अपने पास गलत ढंग से रोक लेना या रोकने की धमकी देना, यह उत्पीड़न के श्रेणी में आता है अगर इसका उद्देश्य सहमति प्राप्त करना, अन्य पक्षकार की अनुचित तरीके से सहमति प्राप्त करना हो। अब अपन अगर एक एक कर देखें तो उत्पीड़न में क्या क्या चीज़ आती है। भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पेनल कोड द्वारा प्रतिबंधित कोई भी कार्य करना, ऐसे किसी कार्य को करने की धमकी देना, किसी की संपत्ति को अवैध रूप से रोकना, किसी की संपत्ति को अवैध रूप से रोकने की धमकी दे देना, या ठहराव करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करना बल प्रयोग करके या प्रयोग करने की धमकी देकर किसी व्यक्ति को अनुबंध करने के लिए प्रेरित करना अगर उद्देश्य है तो यह उत्पीड़न कहलाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति यह कहकर किसी से सहमति प्राप्त करता है कि अन्यथा मैं तेरे विरुद्ध अमुक अमुक मामले में मुकदमा दायर कर दूंगा, तो इसे उत्पीड़न कहा जाएगा अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में मुकदमा दायर करने की धमकी देना बल प्रयोग है अथवा नहीं, यह देखा जाएगा कि दीवानी या फौजदारी का मुकदमा दायर करने की धमकी देना बल प्रयोग नहीं है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता द्वारा इस कार्य को निषिद्ध घोषित नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। अगर अगला व्यक्ति धमकी दे रहा है कि मैं तेरे विरुद्ध मुकदमा करूँगा अमुक मामले में और आप दोषी नहीं हैं, तो फिर आप डरते क्यों हैं, क्यों आप जबरदस्ती सहमति देंगे। परंतु झूठे आरोप लगाकर मुकदमा दायर करने की धमकी बल प्रयोग कहलाएगी। ऐसे कार्य को भारतीय दंड संहिता ने निषिद्ध घोषित किया हुआ है। जबकि आप पर झूठे आरोप लगा दिए जाएँ, दहेज हत्या, दहेज प्रताड़ना या कोई भी अश्लील निरूपण, ऐसा कोई भी जिसमें कि आपको जबरदस्ती फंसाकर और यह कहा जाए कि मैं इसमें तेरे को मान हानि तेरी कर दूंगा, तेरे जिंदगी जो तबाह कर दूंगा, तेरी नौकरी में संकट उत्पन्न कर दूंगा, तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कोई मुकदमा दायर करने की बात कही जाती है तो फिर उसको उत्पीड़न कानून मान सकता है। अब प्रश्न उठता है, आत्महत्या की धमकी उत्पीड़न है अथवा नहीं। भारतीय दंड संहिता में आत्महत्या करने या आत्महत्या की धमकी को दंडनीय नहीं माना गया है, परंतु आत्महत्या करने के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है। यानी कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो कोई बात नहीं, आत्महत्या करने की धमकी देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आत्महत्या का प्रयास करते हुए पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्महत्या करने की धमकी को बल प्रयोग माना जाए अथवा नहीं, या उत्पीड़न माना जाए अथवा नहीं। अम्मी राजू बनाम शेषम्मा के वाद में मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात पर विचार किया और इस वाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और पुत्र को आत्महत्या की धमकी देकर किसी संपत्ति के संबंध को अपने पक्ष में विमुक्ति विलेख लिखवा लिया। विमुक्ति विलेख मतलब कि ये संपत्ति हम अपनी तरफ से आपके पक्ष में डिस्चार्ज करते हैं, हम अपना अधिकार इस पर से परित्याग करते हैं आपके पक्ष में, ऐसा विलेख लिखवा लिया। इस व्यवहार को बल प्रयोग के आधार पर कराया गया मानकर रद्द किया गया। न्यायालय ने बहुमत द्वारा निर्णय दिया कि यद्यपि आत्महत्या करने की धमकी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं है, फिर भी इसे संहिता द्वारा घोषित निषिद्ध कार्य की तरह ही माना जाना चाहिए। कुछ चीज़ें कानून
इंटरप्रिटेशन के आधार पर करता है। अब जब आत्महत्या करने का प्रयास दंडनीय अपराध है तो इसकी धमकी देकर कोई भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर सकता है, इसलिए कानून कहता है कि आत्महत्या की धमकी को भी हम उत्पीड़न मान सकते हैं। ये मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अब बल प्रयोग किस पर किया जाए, स्वयं वचन ग्रहीता पर या वचन ग्रहीता के कैसी ऐसे नियर और डियर पर जिस पर कि बल प्रयोग करने से या उत्पीड़न जिसका कि उत्पीड़न करने से वचन ग्रहीता आपको सहमति दे दे या स्वीकर्ता आपको सहमति दे दे या प्रस्तावित आपको सहमति दे दे। अब उत्पीड़न कहाँ किया जाए, उत्पीड़न कोई आवश्यक नहीं है कि जहाँ अनुबंध अधिनियम लागू हो रहा है वहीं किया जाए, उत्पीड़न कहीं भी किया जा सकता है, दुनिया में कहीं भी किया जा सकता है। अगर उसके कारण सहमति प्रभावित हुई है तो यह अनुबंध को प्रभावित करेगी। अधिनियम की धारा 19 और 72 में बल प्रयोग के प्रभाव का वर्णन किया गया है। धारा 19 के अनुसार जब ठहराव के किसी एक पक्ष की सहमति उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की गई है तो ऐसे ठहराव को उस पक्ष की इच्छा या विकल्प पर व्यर्थनीय माना जाएगा जिसकी की सहमति स्वतंत्र नहीं है। जिस पक्षकार की सहमति स्वतंत्र नहीं होती है उसी को पीड़ित पक्षकार कहा जाता है। धारा 72 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जिस व्यक्ति को गलती से अथवा उत्पीड़न के कारण कोई वस्तु अथवा धन दिया गया हो वह वस्तु या धन अन्य व्यक्ति को वापस करना होगा। उदाहरण के लिए एक रेलवे कंपनी प्रेषिती को तब तक माल देने के लिए मना कर देती है जब तक कि वह अवैध भाड़े का भुगतान नहीं कर देता। माल को प्राप्त करने के लिए प्रेषिती अवैध भाड़ा चुका देता है, ऐसी परिस्थिति में भुगतान किए गए अतिरिक्त भाड़े को प्रेषिती वापस प्राप्त करने का अधिकारी है। अब उत्पीड़न सिद्ध करने का भार, उत्पीड़न किया है और उत्पीड़न के कारण सहमति दी गई है, ये पीड़ित पक्षकार को कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। यानी यह सिद्ध करने के लिए या ये मांग करने के लिए कि साहब मेरी सहमति स्वतंत्र नहीं थी क्योंकि मैंने सहमति मैं हरगिज़ नहीं देता अगर उत्पीड़न नहीं होता, तो ऐसा पीड़ित पक्षकार को अन्य पक्षकार के विरुद्ध वाद कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और यह सिद्ध भी पीड़ित पक्षकार को ही करना पड़ेगा कि अगर उत्पीड़न नहीं होता तो वह सहमति नहीं देता। अब अपने दूसरा जो कारक है जिसके कारण कि सहमति प्रभावित होती है तो उसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता, उसे कहते हैं अनुचित प्रभाव अथवा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू आप मानते ही हैं, जानते ही हैं, अनड्यू वर्ड अपने आप में बता रहा है जो नहीं होना चाहिए लेकिन अपन ऐसा कर लेते हैं। अनुचित ढंग से सहमति को प्रभावित करने के लिए सहमति को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व जो सहमति को दोषपूर्ण बना देता है वह है अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव का अर्थ है कि एक पक्ष निर्बल पक्ष पर अपनी शक्तिशाली स्थिति का प्रयोग करके सहमति प्राप्त करता है और अनुचित लाभ उठाता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 16(1) में अनुचित प्रभाव की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि किसी अनुबंध को अनुचित प्रभाव से तब प्रेरित माना जाता है जब पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध हैं कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की इच्छा शक्ति को प्रभावित करने की स्थिति में है तथा वह अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इस स्थिति का प्रयोग करता है। यदि हम इस परिभाषा का विश्लेषण करें तो अनुचित प्रभाव के दो आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, पक्षकारों के मध्य परस्पर संबंध ऐसे हों कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की इच्छा शक्ति को प्रभावित करने की स्थिति में हो, और जो पक्षकार नंबर 2, जो पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की क्षमता रखता था उसने अपनी स्थिति का प्रयोग दूसरे पक्ष से सहमति अनुचित ढंग से प्राप्त करने के लिए किया है। ये दोनों लक्षण एक साथ विद्यमान होने चाहिए, इनमें से केवल एक के होने मात्र से ही अनुबंध को अनुचित प्रभाव के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकेगा। अब मान लीजिए इस कंसेप्ट को और ज़्यादा स्पष्ट करना हो तो हम उदाहरण लेते हैं कि एक महिला ने अपनी सारी संपत्ति अपने आध्यात्मिक गुरु के नाम दान कर दी ताकि गुरु परलोक में उसकी आत्मा को शांति दिला सके। तत्पश्चात महिला ने दान विलेख की वैधता को चुनौती दी। इस स्थिति में आध्यात्मिक गुरु अपने भक्त की इच्छा शक्ति को अधिशासित करने की स्थिति में था तथा उसने अपनी शक्तिशाली स्थिति का प्रयोग करके अनुचित लाभ प्राप्त किया। अतः निर्णय लिया गया कि
क की सहमति यानी महिला की सहमति अनुचित प्रभाव से प्राप्त की गई थी। आप बहुत से केस अखबारों में पढ़ते हैं कि तांत्रिक के पास चले जाते हैं, तांत्रिक कई तरह की बातें कह देते हैं, तांत्रिक संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं, तांत्रिक अनुचित बलि दिलवा लेते हैं। यह सब अनुचित प्रभाव ही है, क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि वो जो बोल रहे हैं कोई दैव्य आत्मा बोल रही है और आपको उसका अनुसरण करना है अगर आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति वो सब करता चला जाता है, उचित हो चाहे अनुचित, जो कि उसको कहा जाता है। और भविष्य में होश आने पर यदि अनुचित प्रभाव का सहारा लेकर कोर्ट में किसी ऐसे विलेख को या ऐसी सहमति को निरस्त कराना हो तो आसानी से करवाया जा सकता है, बशर्ते कि पीड़ित पक्षकार यह सिद्ध कर पाए कि उसने अनुचित प्रभाव के कारण ही सहमति दी थी। क अनेक रोगों से पीड़ित है और ख उसका इलाज करा रहा था, यानी क ख पर डिपेंडेंट है और ख ही क का माई बाप है एक तरह से, क्योंकि क बिल्कुल निरीह निष्प्राण और असहाय स्थिति में है। ख चिकित्सक के रूप में क पर अपना प्रभाव डालकर अपनी व्यावसायिक सेवाओं के लिए उससे उचित से कहीं अधिक राशि देने के लिए ठहराव करा लेता है। इस स्थिति में ख ने अपनी उच्चतर स्थिति का प्रयोग करके अनुचित लाभ उठाया है। डॉक्टर ने उठाया ये, मेरे को तो आप ये बता दीजिए, अगर आप ऑपरेशन टेबल पर हैं और आपका डॉक्टर से पहले से तय हो गया था कि भाई ये ऑपरेशन 20,000 में होगा और डॉक्टर ने मान लीजिए आपका ऑपरेशन करना था, पेट का खोला और उसने कहा साहब ये तो मैंने जो अंडर एसेस कर लिया ये तो मामला बड़ा है, 50,000 लगेंगे, अब आप क्या मना कर दोगे कि मेरा पेट वापस सिल दे? ये डॉक्टर द्वारा अनुचित प्रभाव का प्रयोग है, क्योंकि व्यक्ति अपना इलाज कराएगा ही, जान सबको प्यारी है ही, अब आप वो 50 मांग रहे तो 50 देंगे, 70 मांगेगा तो 70 देंगे। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो बाद में एक बार तो आप कर देंगे लेकिन बाद में इसको रिकवर कर सकते हैं अनुचित प्रभाव का सहारा लेकर। इच्छा शक्ति को अधिशासित करने की परिकल्पना, हम यह देख चुके हैं कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा शक्ति को अपने प्रभावित करने की स्थिति में होता है केवल तभी अनुचित प्रभाव का प्रयोग हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह कब कहा जा सकता है कि एक पक्ष दूसरे पक्षकार की इच्छा शक्ति को प्रभावित कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर अधिनियम की धारा 16(2) में दिया गया है। इस धारा के अनुसार एक पक्षकार दूसरे पक्ष की इच्छा शक्ति को प्रभावित करने की स्थिति में तब माना जाता है जबकि 1) वह दूसरे पक्ष पर वास्तविक अथवा प्रत्यक्ष अधिकार रखता हो। इस प्रकार के मामलों के कुछ उदाहरण हैं, स्वामी एवं सेवक, पिता एवं पुत्र, आयकर अधिकारी एवं करदाता, सेल्स टैक्स ऑफिसर एवं दुकानदार, यानी जब ऑथोरिटेरियन रिलेशनशिप हो। दूसरा है उसका दूसरे के साथ विश्वासित संबंध हो। कैसे संबंध हो? कॉन्फिडेंशियल, जिसको कहते हैं ना मतलब गुड फेथ वाले, फिड्यूशरी रिलेशनशिप इसको टेक्निकली कहते हैं, बहुत विश्वासित संबंध हो। इसका अर्थ है कि विश्वास और भरोसे पर आधारित संबंध। विश्वासित संबंधों की श्रेणी यद्यपि बहुत व्यापक है, इसमें संरक्षित एवं संरक्षित, आध्यात्मिक गुरु और भक्त, डॉक्टर और मरीज, वकील और मुवक्किल, ट्रस्टी और हितधारी, और ये सब आते हैं। अब आप इसका उदाहरण यूँ समझ लीजिए, विश्वास के संबंध में आप एक डॉक्टर के पास ऐसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं जो बहुत ही आप चाहते हैं गोपनीय रखी जाए, लोगों को पता नहीं चले कि भैया आपको ये बीमारी है, अन्यथा लोग आपसे मतलब आपको अछूत मानेंगे और आपको समाज से बाहर कर देंगे, आपको बड़ी हेय दृष्टि से देखेंगे। अब डॉक्टर अगर चाहे तो आपसे कोई भी ठहराव इस बात की मतलब आपको इस बात अपना अनुचित स्थिति का प्रभाव का प्रयोग करते हुए कर सकता है कि अन्यथा फिर आप देख लीजिए मैं भी तो आपका मामला गोपनीय रख रहा हूँ, आप इस ठहराव पर अपने सहमति दे दीजिए। और आप अगर डॉक्टर ऐसा कहता है तो सहमति देंगे, क्योंकि आपको अन्यथा पता है कि डॉक्टर को नाराज करने का मतलब है आपकी बीमारी के बारे बात सार्वजनिक हो जाना और आपकी स्थिति ऑकवर्ड हो जाना। ऐसे ही वकील मुवक्किल के केस में मान लीजिए कोई ऐसा केस चल रहा है मर्डर केस, अब मुवक्किल वकील को सब कुछ सारे फैक्ट्स बता चुका है, अब वकील के हाथ में है वो चाहे तो मुवक्किल के लिए फांसी का फंदा तैयार करवा दे और चाहे तो उसे बाइज्जत बरी करवा दे। अब वकील ही अगर अनुचित प्रभाव का प्रयोग करना चाहेगा तो वो आसानी से कर सकता है और किसी भी ठहराव में अपने मुवक्किल की सहमति प्राप्त कर सकता है।
तीसरा है, वह ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है जिसकी मानसिक क्षमता वृद्धावस्था, बीमारी या मानसिक अथवा शारीरिक संताप के कारण अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है। अब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार, कमज़ोर, डिपेंडेंट है, आप अगर उस पर बहुत जोर डालेंगे तो वह आपके कहे अनुसार सारा कार्य कर देगा, लेकिन इसको अनुचित प्रभाव का प्रयोग करना कहते हैं, क्योंकि आपने अगले की लाचारी का प्रयोग करते हुए उसकी गलत ढंग से सहमति प्राप्त की है। अब अनुचित प्रभाव सिद्ध करने का भार किस पर है? जब अनुचित प्रभाव के आधार पर अनुबंध को निरस्त करने की इच्छा पीड़ित पक्ष का रखता है तो इसको सिद्ध करने का भार अनुबंध को रद्द करने का निर्णय कर लेता है तो पीड़ित पक्षकार पर यह भार होगा कि वह यह सिद्ध करे कि उसने सहमति केवल इसलिए दी क्योंकि अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया, अन्यथा वह सहमति नहीं देता। उसको दो बातें सिद्ध करनी पड़ेंगी, यह कि दूसरा पक्षकार उसकी इच्छा शक्ति को प्रभावित करने की स्थिति में था, और दूसरा कि दूसरे पक्षकार ने वास्तव में अपनी स्थिति का प्रयोग पीड़ित पक्षकार की सहमति गलत ढंग से प्राप्त करने के लिए किया। अब अनुचित प्रभाव अगर का प्रयोग करते हुए ठहराव किया जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है? जब अनुबंध करने वाले किसी पक्ष की सहमति अनुचित प्रभाव के द्वारा प्राप्त की जाती है तो जिस पक्ष की सहमति इस प्रकार प्राप्त की गई है उस पक्ष की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय होता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 19 का में अनुचित प्रभाव के परिणामों के बारे में बताया गया है कि जब किसी ठहराव के लिए सहमति अनुचित प्रभाव के द्वारा प्राप्त की गई है तो उस पक्ष की इच्छा पर जिसकी सहमति इस तरह से प्राप्त की गई थी अनुबंध व्यर्थनीय होता है। ऐसे अनुबंध को पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है, या यदि अनुबंध रद्द कर सकने वाले पक्षकार ने प्रबंध के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त कर लिया है तो न्यायालय न्यायोचित शर्तों पर उसे रद्द कर सकता है। उदाहरण के लिए एक साहूकार क ने